वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ साइंस 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर क्लास 10। तो इसका हम लास्ट पार्ट पार्ट 3 कवर कर रहे हैं और यहाँ पे शुरू होता है ये पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो ये लास्ट सेक्शन है चैप्टर का, इसमें हम पीरियोडिक ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं तीन प्रॉपर्टीज की। ये देखिए मेंशन की गई यहाँ पे वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड जो ये वर्ड आता है यहाँ पे, ये पीरियोडिक ट्रेंड ग्रुप और पीरियड वाला पीरियड नहीं है कि सिर्फ पीरियड की बात नहीं करेंगे हम, दोनों की बात करेंगे, पीरियड और ग्रुप। मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, हमने पार्ट टू में भी देखा कि कैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ग्रुप में ग्रेजुअली यू नो इंटेंस होते जाती है, चेंज होते जाती है, और इवन पीरियड के अक्रॉस भी चेंजेस आते हैं, स्लो चेंजेस आते हैं। और ग्रुप में लिखा था सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन, कि हर एक ग्रुप का एलिमेंट सिमिलर होगा और ग्रेडेशन होता है उनका, पीरियड अक्रॉस द पीरियड हॉरिजॉन्टली स्लो चेंज होता है। तो पीरियोडिक ट्रेंड है, कुछ ट्रेंड है, कुछ रेगुलरिटी है चेंजेस में, तो उसको पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। तो व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड, ये देखिए पूरा फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस में, फर्स्ट थ्री लाइंस में लिखा है, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड और अ ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कंपेयर्ड, सर्टेन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन देयर वेरिएशंस, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक, जैसे हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे, प्रॉपर लॉ ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल या मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक नंबर, जो हमारा ये पीरियोडिक फंक्शन जो आता है वो ये पीरियोडिक है, ग्रुप एंड पीरियड के पीरियड वाला पीरियोडिक नहीं है ये क्लियर रखो। तो ये बात है पीरियोडिक ट्रेंड हम देखेंगे तीन प्रॉपर्टीज की। पहला है वैलेंसी, तो वैलेंसी से शुरू करते हैं। वैलेंसी हमने ऑलरेडी देखा है पार्ट टू वीडियो में भी कि वैलेंसी क्या होता है। तो इट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, समझो थर्ड शेल है और 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो वैलेंसी 1 होगी, कि 1 हो जाएगा, 1 मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, तो स्मॉलर नंबर होता है। और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी वैलेंसी 1 होगी, है ना। तो कम दे के हो जाएगा या लेके हो जाएगा, कम नंबर जो होता है वो वैलेंसी होती है। वैलेंसी मैक्सिमम, जैसे थर्ड ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम 4 हो सकती है, 5 आउटरमोस्ट शेल में है तो वैलेंसी 5 नहीं होती, 8-5 मतलब 3 होगी ऐसे, ठीक है। तो दैट इज वैलेंसी। यहाँ देखिए डेफिनेशन है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एलिमेंट्स, विद अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। तो वैलेंसी से डिटरमिन होता है कि उसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, कंबाइनिंग पावर क्या होगा जब वो कंपाउंड बनेगा, तो ठीक है। तो ये देखिए, तो वैलेंसी है, यू हैव लर्नड इट इन द प्रीवियस क्लास, दैट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से देख के हमको पता चल जाता है वैलेंसी कितनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी सेम नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हैलोजन्स में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 7 है, लेकिन जो हम थर्ड शेल है तो वैलेंसी 1 होगी, है ना, वैसा। फिर थिंक अबाउट इट है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी, ये दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने देखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हमको देख के पता चल जाता है, जैसे 281 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लास्ट ऑर्बिट में 1 है तो वैलेंसी 1 होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम डिटरमाइंस द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख जाते हैं और वैलेंसी इजीली हम समझ सकते हैं। सेकेंड सवाल है, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 8, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द टू एंड डिड्यूस देयर वैलेंसी फ्रॉम द सेम। तो ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे देखो, बेरिलियम और ऑक्सीजन, दोनों का एटॉमिक नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने बोला जा रहा है, तो 4 है तो फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम 2, सेकंड में बाकी 2 आएंगे, 8 है तो फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम 2, सेकंड ऑर्बिट मैक्सिमम 8 होते, तो यहाँ 2 के बाद बचे 6, तो सेकंड ऑर्बिट में डाल दिया। अब वैलेंसी यहाँ दिख रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, वैलेंसी क्या होगी, इसके लिए 2 होगी, लेकिन ये 6 वैलेंसी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या है, 8 होने चाहिए ना, तो 8-6 मतलब वैलेंसी 2 है, दोनों की वैलेंसी 2 है, वो बात है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज इज मेड ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट इन इट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बिलो द सिंबल एंड राइट द वैलेंसी। तो ये हमको पूरा सॉल्व करना है, हम देखते हैं। तो ये टेबल भी हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे टेबल ये दिखाया गया है, तो यहाँ पे हमको टेबल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखने, जैसा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, जैसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हीलियम, है ना, हाइड्रोजन हीलियम करके ऐसे,
तो ये कैसे लिखना है, या देखो जैसे पोटेशियम के साथ ये एग्जांपल दिया गया, तो पोटेशियम सिंबल लिखना है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नीचे लिखना है, और वैलेंसी लिखनी है। तो इस तरह से पूरा टेबल हमको फिल करना है। तो ये देखिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हाइड्रोजन हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ब्रैकेट में ये लिखा गया उसके नीचे, और वैलेंसी है ना। तो हाइड्रोजन 1, तो वैलेंसी 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक बाकी है। हीलियम 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑफकोर्स इसकी वैलेंसी 0 है, तो 18th ग्रुप में सबकी वैलेंसी 0 होती है ना। यहाँ पे हर एक के फर्स्ट ग्रुप में हर एक की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 में हर एक की वैलेंसी 2, तो ये देख सकते हैं। लिथियम ये देखिए 2 1, तो 2 2 2 3, ऐसे करके हमने ऑलरेडी ये देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करता है ओवर अ पीरियड एंड ऑल्सो ओवर अ ग्रुप। हर एक ग्रुप में जैसे हम देखते हैं एक के नीचे एक जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होते जाती है, और वैलेंसी सबकी 1 है ये देखिए, है ना। तो ये हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स डाल दिए, तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने दिया। आगे देखते क्या है, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। तो हमारा वो इमेज हमने जो बनाया है, हमने फिलअप किया है टेबल, तो उसके हिसाब से अब वेरिएशन इन वैलेंसी कैसी है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं एक पीरियड में, है ना। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू पीरियड 2 एंड पीरियड 3। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 में क्या हो रहा है उस हिसाब से हमको आंसर देना है। तो ये देखिए क्या लिखा है हमने कि इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3 व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी कैसे हो रही है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस बाय 1, तो 1 से 4 तक जाएगी, फिर डिक्रीजेस बाय 1 फ्रॉम 4 रीचिंग अप टू 0। इमेज फिर से देखेंगे, ये देखिए पीरियड 2 और पीरियड 3, तो वैलेंसी कैसे 1 2 3 4, 3 2 1 0, वैसे पीरियड 3 में भी वैसे, के 5 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, मतलब 3 और चाहिए तो वैलेंसी 3 होती है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड। तो ये देखो ये पीरियोडिक ट्रेंड बोल रहे हैं वैलेंसी की, पीरियोडिक ट्रेंड लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में, और पीरियोडिक ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ वैलेंसी बाय गोइंग डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप में, अभी टॉप टू बॉटम। तो एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 18 में क्या हो रहा है, ये देखिए ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, ऑल एलिमेंट्स ग्रुप 1 हैव वैलेंसी 1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हैव वैलेंसी 2, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव वैलेंसी 2, 17 ग्रुप हैलोजन्स का ग्रुप है वैलेंसी 1। तो ये हमने ये दिया ग्रुप 16 17 और ग्रुप 18 वैलेंसी 0 है ना। तो ये हमको दिख रहा है वैलेंसी 1 वैलेंसी 2, यहाँ पे 16 पे वैलेंसी 2 अगेन, 17 वैलेंसी 1, ग्रुप 18 वैलेंसी 0। फिर तो ये हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वैलेंसी उसका पीरियोडिक ट्रेंड समझ लिया है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी का पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे, तीन का है, हमने देखा वैलेंसी एटॉमिक साइज मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो वैलेंसी कैसे ओवर अ ग्रुप चेंज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होती है वो हमने देख लिया। अब सेकेंड एटॉमिक साइज का देखेंगे। तो अब एटॉमिक साइज क्या होता है, मतलब एटम की साइज क्या होती है। तो साइज कैसे पता चलेगी हमको एटम की, तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके आगे न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है एक के बाद एक होते हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा सबसे बाहर का शेल होगा उधर तक हमको एटॉमिक साइज देखनी है। तो अगर हम एटॉमिक साइज ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट सर्कुलर हो गया एटम तो हम रेडियस से पता कर सकते हैं, एटॉमिक साइज विल डिपेंड ऑन द रेडियस। तो रेडियस एटॉमिक रेडियस जो है तो एटॉमिक रेडियस कहाँ से होगा, सेंटर मतलब न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक, तो दैट डिस्टेंस इज एटॉमिक रेडियस, दैट इज व्हाट इंडिकेट्स एटॉमिक साइज। तो वही लिखा गया है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, साइज वॉल्यूम भी उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस अब मेजर कैसे करेंगे, मेजर क्या यूनिट से होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, एटम बहुत छोटा होता है, नेकेड ऐसे दिखता भी नहीं हमको, नो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करके उसको देखना पड़ता है। तो एटॉमिक रेडियस हम मीटर में सेंटीमीटर में मिलीमीटर में नहीं मेजर करते, इवन नैनोमीटर में भी वो डिफिकल्ट होता है, पिकोमीटर यूज किया जाता है, क्योंकि 0.00 ऐसे करके हम, तो उसको हम उसके लिए हमको जो यूनिट चाहिए वो हमको पिकोमीटर लेनी पड़ती है, मतलब 10^-12 मीटर इज 1 पिकोमीटर, मतलब 0 के बाद 12 पॉइंट डॉट के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 12 जीरो आएंगे फिर जो नंबर आएगा वो आएगा। तो ऐसे तो हम नंबर नहीं लिख सकते ना, दैट इज मीटर। तो हम 10^-12 को मल्टीप्लाई करके मीटर लिखते, पिकोमीटर मतलब उतना पिकोमीटर हुआ वो, तो वो जितने जीरो हटा के जितना फिगर आता है वो। तो ये देखो एटॉमिक रेडियस जैसा 66, ये क्या है 66 पिकोमीटर,
मतलब अगर मीटर में बोलेंगे तो 0.12 बार 0 आएगा, फिर 66 आएगा, तो ऐसे हम इसको पिकोमीटर में लिखा 66। तो ये पिको याद रखना है, नैनो मतलब 10^-9, पिको मीन्स 10^-12। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट और उनके एटॉमिक रेडियस दिए गए हैं, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और लिथियम की। और यहाँ पे क्या पूछा है, यूज योर ब्रेन पावर सवाल है, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। तो ये एलिमेंट्स कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं वो हमको देखना है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक नजर देख लेते। ये देखिए हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये कौन से एलिमेंट्स थे यहाँ पे, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो ये आप देख सकते हैं पीरियड नंबर है 2, सेकेंड पीरियड। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, फिर से जाते हैं हमारे टेबल पे, यहाँ पे देखिए, तो द एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 2। ठीक है, फिर सेकेंड सवाल है, अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो ये सारे एलिमेंट्स को हमको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसका क्या मतलब हुआ, एटॉमिक रेडियस इनका कितना है, ये जो दिया हुआ एटॉमिक रेडियस, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से छोटा छोटा। तो सबसे पहले आएगा लिथियम 152 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन, है ना, सबसे छोटा ऑक्सीजन। तो ये हमने उसको अरेंज कर लिया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यही है, सेकेंड पीरियड में आप देखोगे तो वही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही पीरियड में एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट है, तो ये अरेंजमेंट मैच करता है, यस आंसर इधर। फोर्थ सवाल है, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। तो वो तो हमको दिख रहा है, बिगेस्ट एटम इज लिथियम, स्मॉलेस्ट इज ऑक्सीजन। फिफ्थ सवाल है, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। तो पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज का क्या पीरियोडिक ट्रेंड है, वही तो हम ये सेकंड प्रॉपर्टी सीख रहे हैं ना, एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड, एटॉमिक साइज का पीरियोडिक ट्रेंड। तो एटॉमिक रेडियस सिग्निफाइज एटॉमिक साइज। तो कैसा पीरियोडिक ट्रेंड हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो कैसे होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, जैसे जैसे एक नया एलिमेंट आएगा तो पीरियड में एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और हर एक पीरियड का हमने देखा है, सेकेंड पीरियड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स 2 हो गए, तो लिथियम से लेके पूरे सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक शेल एक पीरियड में 2 शेल्स हो गए, सेकेंड पीरियड 2 शेल्स। तो हर एक शेल में मतलब फर्स्ट लिथियम का जैसे है एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक एक इलेक्ट्रॉन एड होते जाते हैं। तो अगर हम आउटरमोस्ट शेल बोलेंगे तो सब एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल 2 ही है, तो एटॉमिक रेडियस जब हम मेजर कर रहे थे न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक, तो सबका पूरे पीरियड में सब तो 2 ही शेल वाले, तो सबका एटॉमिक रेडियस सेम ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हम देख रहे कम होते जा रहा है, ऑक्सीजन का सबसे कम आया यहाँ पे जितने एलिमेंट्स लिए हमने उसमें, तो क्यों ये हुआ, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड होते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब हम नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं, प्रोटॉन भी उतने ही ऐड हो गए, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब चार्ज इंक्रीज होते जाता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है, और वो जो सेकेंड शेल ही होती है लेकिन वो सिकुड़ जाती है, तो वो पास पास जाते जाता है न्यूक्लियस के, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, तो इसीलिए जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाता है। तो वही यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस 1 by 1, बट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो गेट्स एडेड टू द सेम आउटरमोस्ट शेल। तो जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिव रीजन के लिए भी ये समझना चाहिए, कि हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे का सवाल भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम पीरियड में आगे जाते जाते एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाते। अब हमने पीरियोडिक ट्रेंड पीरियड के ओवर तो देख लिया, अब ग्रुप का, तो ये सेकेंड यूज योर ब्रेन पावर यहाँ सवाल है। ये देखिए एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके एटॉमिक रेडियस, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम। तो ये सारे एलिमेंट्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय रेफरिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप टू विच अबव एलिमेंट्स बिलोंग। तो ये पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम कहाँ बिलोंग करते हैं, तो हम एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेंगे। ये देखिए है ना, पोटेशियम कहाँ पे आएगा, ये रहा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये है ग्रुप 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ग्रुप 1, हम यहाँ दिखेंगे, देखिए ये वाला टेबल, ये तो द एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 1। फिर सेकंड सवाल है, अरेंज द अबव एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस कम से ज्यादा ऐसे करके अरेंज करना है इनको।
सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस है सोडियम का, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वहां डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने बोला या इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये देखिए कैसे आएगा। सबसे छोटा है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, रुबिडियम एंड सबसे बड़ा सीजियम। अब ये लिथियम सोडियम पोटेशियम, दिस डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द ग्रुप। अगर टॉप टू बॉटम ऐसे हम अरेंज कर रहे हैं इनको, लिथियम ऊपर भी सोडियम पोटेशियम, तो डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑन ग्रुप वन? यस इट मैचेस, सेम है, ग्रुप वन में भी ऊपर से नीचे ऐसे ही है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स आर बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम? सबसे बड़ा एटम कौन सा है? बिगेस्ट एटम इज सीजियम एंड स्मॉलेस्ट एटम इज लिथियम, बराबर। और तो फिर व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप? तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जाता है, व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस, दस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज, एटॉमिक नंबर डज नॉट इंक्रीज बाय वन एज सच। ये देखिए तो कैसे होता है यहाँ पे, क्योंकि नया शेल एक ग्रुप एड होते जाएगा, ग्रुप वन वन शेल, ग्रुप टू टू शेल्स, ग्रुप थ्री थ्री शेल्स, तो जैसे जैसे शेल एड होते जाएंगे तो ऑफकोर्स एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएगी। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन शेल और एड होते जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होते हैं, ग्रुप वन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका वन होगा, लेकिन एक और शेल एड हो गई है ना तो वो फर्क है, तो नई शेल एड होती है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो ओवर अ पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, ओवर अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, तो ये याद रखना है। तो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर में फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, क्लासिफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड हम देख लेते हैं, ये देखिए हम फिर से चले जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे, पेज थर्ड, यहाँ पे पेज नंबर है ये 23 का, पेज 23 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते रहो। तो देखिए थर्ड पीरियड मतलब ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये थर्ड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में मेटल्स के कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये नॉन मेटल्स है, सिलिकॉन इज एक्चुअली अ मेटलॉइड। तो अब ये हमारा सवाल है यहाँ पे, तो हम फिर से जाते हैं चैप्टर पे। तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ये पूछा कि पहले बताओ, लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स हमको थर्ड पीरियड के पता चल गए, ये है, ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, क्लोरीन एंड सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसमें से मेटल्स कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आर नॉन मेटल्स, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, ठीक है। तो मेटल्स नॉन मेटल्स हमने कर लिए। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर मेटल्स, लेफ्ट और राइट? तो मेटल्स लेफ्ट साइड पे, मेटल्स आर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियड। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर टू द राइट साइड ऑफ द पीरियड, करेक्ट। ये तो हमने अभी देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे लिखा है देखो, इट इज सीन दैट मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट, और यहाँ आंसर भी इन्होंने ही दिया है टेक्स्ट में, तो देखिए नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर, क्लोरीन आर टूवर्ड्स द राइट, करेक्ट। मेटलॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन दीज टू, वो जिगजैग लाइन हमने देखा था पी ब्लॉक की, हम एक और इमेज देखेंगे ये जिगजैग लाइन की मेटलॉइड समझने के लिए। ये देखिए थर्ड पीरियड में ये सिलिकॉन यहाँ दिखाया गया, तो ये जिगजैग लाइन जो है एल्यूमिनियम से ऐसे आ रही है ब्लू जिगजैग लाइन, तो जो मेटलॉइड है वो रेड बॉक्स में डाले गए, ये देखिए। तो ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे जो है ये एलिमेंट्स मेटलॉइड्स है, और यहाँ पे एक ही है एल्यूमिनियम इज नॉट अ मेटलॉइड, तो आप दोनों को नहीं ले सकते, तो ये एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये मेटलॉइड्स है। तो वही हमारे टेक्स्ट में लिखा है कि मेटलॉइड जो है वो दे लाए इन बिटवीन दीज टू जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, है ना, पी ब्लॉक में वो हमने ऑलरेडी देखा है। अब आगे क्या है, अभी जो कैटायंस एनायंस बनेंगे, तो मेटल्स जो है वो कैटायंस बनते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो मेटल्स कैटायंस बनते हैं और नॉन मेटल्स एनायंस बनते हैं। कैटायंस एनायंस क्या होते हैं हम देखेंगे, ये पहले भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो आयनिक कंपाउंड बनता है, मतलब गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब कंपाउंड बनता है तो कैटायंस और एनायंस बनते हैं। कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस पे नेगेटिव चार्ज। तो कैटायंस क्या करते हैं, एटम्स, मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटायन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब क्योंकि उनकी वैलेंसी जो छोटी होती है शुरू में ना, तो वैलेंसी 1, 2, 3 होगी, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 ऐसे कुछ होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वो दे देंगे और अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करेंगे। तो गिव एंड टेक में जब बॉन्ड बनता है तो वो दे के बॉन्ड बनाते हैं,
तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो उनका उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैट आयन बोलते हैं। तो ये देखो, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट बोली जाती है इसको, ये प्रॉपर्टी को। मेटल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कैट आयन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट, कि ये पॉजिटिव आयन बनते हैं। एन एटम ऑफ नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन एन आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कैट आयन बनते हैं, ये एन आयन बनते हैं। तो एन आयन बनते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो एन आयन बनते हैं। तो ये देखिए, इसको भी हम रेड मार्किंग करेंगे, आई होप आप मार्किंग्स करते हो अपने टेक्स्ट में। ये देखिए, इसको भी रेड मार्किंग करेंगे, है ना, एनायंस। तो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इट्स, है ना, फ्रॉम आउटसाइड इनटू इट्स वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में नॉन मेटल्स के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको 3 और चाहिए, तो 3 एक्सेप्ट करेंगे वो, है ना, 3 उनको एक्सेप्ट करेंगे तो उनको नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा उनपे, तो नेगेटिव आयन बनता है, तो उसको एनायन कहते हैं। कैट आयन इज पॉजिटिव आयन, एनायन इज नेगेटिव आयन। जैसे H2O वगैरह है, तो H2O प्लस और माइनस ऐसे, या तो NaCl इज अ प्रॉपर एग्जांपल। H2O तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, तो उसमें कैटायंस एनायंस होते हैं, तो मतलब NaCl, मतलब Na सोडियम, Cl इज क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो Na और Cl, तो Na कैटायन बनेगा पॉजिटिव, Na प्लस एंड Cl माइनस एनायन बनेगा। तो ये कैटायन एनायन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये देखिए, सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक और चाहिए उसको, इसको एक और निकाल देगा तो ये भी पूरा इसका प्रीवियस ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ऑर्बिट। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है वो क्लोरीन ले लेगा, तो ये बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, और NaCl कंपाउंड, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनेंगे। तो ये जो एक दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो Na प्लस बन गया, और ये नेगेटिव चार्ज ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस मींस कैटायन, Cl माइनस मींस एनायन, तो ये है Na प्लस Cl माइनस, तो ये आयोनिक बॉन्ड है, कैटायंस और एनायंस बनते हैं इसमें, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और देखो, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयंस हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ नोबल गैस, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होगा क्योंकि ऑर्बिट जो उनकी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गई होगी। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम बाय द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो वो तो है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिट में रहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ऑर्बिट में उसके रहते हैं, जैसे सन हमको ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करता है, वैसे ही कुछ कंसेप्ट है, न्यूक्लियस ऑर्बिट्स को पुल करता है, जैसे वहां हर प्लैनेट पुल होता है, यहाँ हर एक ऑर्बिट के हर इलेक्ट्रॉन पुल होता है। तो ये देखिए, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स इज स्मॉल, ये हमने ऑलरेडी देखा 1, 2, 3, तो इसीलिए वो इजीली गिव अप कर देते और पॉजिटिव आयन बन जाते कैटायन, और ये उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज अ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, बराबर, और वही सेम आएगा उल्टा इन नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये हम डायग्राम फिर से देखेंगे। यहाँ पे देखो, व्हाइल गोइंग डाउन, अभी पीरियोडिक ट्रेंड बताएंगे, ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमने देखा है, ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं, ब्लू बॉक्स मतलब मेटल, ये जो ऑरेंजिश बॉक्स है थोड़ा वो मेटलॉइड है, और ये ग्रे बॉक्स नॉन मेटल, तो मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स का है वो दिखाया गया है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, है बाकी यहाँ पे सारे मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है और ये सारे मेटलॉइड्स, ये देखिए एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं काउंट होगा साथ में, तो ये मेटलॉइड्स है, ये देखिए हमने जो देखा था ना, ये तो ये सारे मेटलॉइड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए, ओवर अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में कैसे होता है, एटॉमिक रेडियस कैसे हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहे हैं, हमने देखा था एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एंड ओवर अ डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ये तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देख ली। अब थर्ड प्रॉपर्टी मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगा, ये सारे मेटल्स है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ये, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, आगे जाके नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम होते जा रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ओवर अ पीरियड और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाती है लेफ्ट टू राइट और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होते जाता है लेफ्ट टू राइट। और डाउन अ ग्रुप देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, वो तो हमने ऑलरेडी देखा है सेकंड प्रॉपर्टी में। यहाँ पे मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के लिए कैसा है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होते जाती है डाउन अ ग्रुप,
तो ये डाउनो ग्रुप जो है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, जो नीचे है, इनका कम होता है, धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होते जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे उल्टा होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। तो ये हम पूरा समझेंगे अभी, ये देखिए, व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल गेट्स एडेड रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाती है, तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप। तो इसीलिए जैसे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो साइज इंक्रीज होते जाती है, तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो दूर है न्यूक्लियस से तो इतना अट्रैक्शन भी नहीं है, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ऑल्सो द पेनल्टीमेट शेल बिकम्स द आउटरमोस्ट शेल ऑन लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पेनल्टीमेट शेल इज द कम्प्लीट ऑक्टेट। तो जो कैटायन होता है वो इसमें जो टेंडेंसी हो गई एटम्स की लूज इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज होते जाती है। तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, कैटायन बनने की टेंडेंसी इंक्रीज होते जा रही है और स्टेबल कैटायंस बनते जा रहे हैं, तो वो मेटालिक कैरेक्टर है। तो मेटालिक कैरेक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। तो ये एक्चुअली एक गिव रीजन हो गया यहाँ पे। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो गिव रीजन है, क्वेश्चन नंबर 7B, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ग्रुप का गिव रीजन नहीं है, लेकिन ये भी गिव रीजन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है कि मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। क्यों क्यों मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इजीली वो गिव अप इलेक्ट्रॉन करेंगे। पूरा जो यहाँ लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरा ये गिव रीजन में इसके यहाँ से आंसर आएगा। अब देखिए, अब पीरियड का आता है मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट, तो ये आपके टेक्स्ट बुक का गिव रीजन है, ये भी याद करना है आपको कि लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होते जाती है, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाएंगे तो देखो आउटरमोस्ट शेल तो सेकेंड पीरियड है, तो दो शेल्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल रिमेन्स द सेम, बट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस गोज ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, क्योंकि एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो एक एक प्रोटॉन भी एड हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन भी एड हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस कम होते जाते हैं क्योंकि और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब जितना क्लोज हो गए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स, तो उतना पुल किए हुए तो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स गिव अप नहीं करेंगे, तो टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट में जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होते जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जाती है। ये तो यही है। फिर यहाँ पे अगेन यूज योर ब्रेन पावर के तीन सवाल है। पहला सवाल है, व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते, जब एटम एलिमेंट एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके एनायंस बनते हैं, है ना, तो एनायंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एनायंस आर विथ नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है तो उसको नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं, ना, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली एक वर्ड याद रखना है हमको, एक फ्रेज, वो है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होगी और एनायंस बनेंगे, है ना, तो दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे बदलेगा। अब हमको पता है एक पीरियड, अगर पीरियड टू है मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेल्स दो है, वो हमने ऑलरेडी सीखा है वैलेंसी, जब हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें देखा है, एटॉमिक साइज में भी हमने देखा कि अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे तो इलेक्ट्रॉनिक शेल भले दो है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऐड होते जाते हैं टुवर्ड्स दी राइट, तो वैसे ही पुल इंक्रीज होते जाते हैं। तो जब पुल न्यूक्लियस की तरफ इंक्रीज होते जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गिव अप नहीं होंगे, बल्कि एक्सेप्ट करेंगे, वो बोलेंगे हम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, आप दो हमको। तो वही है, तो ये पीरियोडिक ट्रेंड कैसे होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बराबर। तो हमने ऑलरेडी देखा कैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेटल्स, फिर आगे जाते हैं तो नॉन मेटल्स आते हैं टुवर्ड्स द राइट। फिर थर्ड है, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डाउन अ ग्रुप।
अब टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे। अब ग्रुप में कैसा है, हर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे हर एक ग्रुप की वैलेंसी सेम होती है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक का सेम होता है। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है मतलब के, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शेल एक एक ऐड होते जाती है, जैसे ग्रुप से ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होते जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होते जा रही है मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रही है। तो अब न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे इतना पुल नहीं रहता, तो इलेक्ट्रॉन इजिली वो गिव अप करने को रेडी होते। जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएंगे वैसे गिव अप करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एक्सेप्ट करने की कम। तो ग्रुप डाउन और ग्रुप कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाती है ना, और टेंडेंसी गिव अप करने की। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम ऑफ अ ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स द सेम बट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस है ना, और इंक्रीज होते जा रहे डिस्टेंस फ्रॉम द, वैलेंसी सेम होती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस है ना, इलेक्ट्रॉनिक शेल बड़ा बड़ा और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऐड होते जा रहे, तो डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहे न्यूक्लियस से, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे और मेटालिक कैरेक्टर आएगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बल्कि डिक्रीज होते जाएगी, सो दैट इज डाउन अ ग्रुप। तो वही है जिस यहाँ पे ऑलवेज रिमेम्बर में वही लिखा है, डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। तो ये सब आपको समझ के याद रखना है, अभी जो हमने यह डिस्कस किया वही बात यहाँ पे लिखी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब रिएक्टिव है, एलिमेंट रिएक्टिव है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, हायर द रिएक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फिर आता एक पॉइंट यहाँ पे रेडिएशन इन हैलोजन फैमिली के बारे में। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिविटी, तो आप बार बार इसको देखोगे और समझोगे और पढ़ोगे तो क्लैरिटी जरूर आएगी। साइंस के सब्जेक्ट जो है आपको रिपीटेड रिविजन करना होता है, इसके बगैर होगा नहीं। ये लास्ट अभी यहाँ पॉइंट देखिए, ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, तो ग्रुप 17 के बारे में लिखा गया, ग्रुप 17 इज हैलोजन फैमिली, हमने ऑलरेडी देखा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इनका जनरल जो एलिमेंट जो बनता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो X2 है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके बन जाते हैं स्टेबल स्टेबल सब्सटेंस। तो जो ये है मॉलिक्यूल, तो स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनते हैं ना, तो फ्लोरीन के दो एटम्स मिल जाते हैं यहाँ पे देखिए, तो F2Cl2 Br2 I2। अब इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे कि इनकी फिजिकल स्टेट में भी ग्रेडेशन है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो गैसेस है, सबसे ऊपर फ्लोरीन क्लोरीन है, फिर बीच में आते तो ब्रोमीन आता है वो लिक्विड है, और फिर आयोडीन जो है एकदम नीचे वो सॉलिड है। तो गैस लिक्विड सॉलिड एक ग्रेडेशन फिजिकल स्टेट में भी हैलोजन फैमिली में दिखता है इन ग्रुप 17। तो ये याद रखना है हमको कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होते हैं ना, और ब्रोमीन लिक्विड आयोडीन सॉलिड, ठीक है, नमक में आयोडीन होना चाहिए बोलते हैं, दैट इज गुड, वी नीड आयोडीन मिनरल, तो ये आयोडीन जो है वो सॉलिड है। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे एक बॉक्स है, डू यू नो का चैप्टर खत्म होता है। तो ये जो डू यू नो बॉक्स है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया है, तो ये क्या बोलते हैं कि एक ग्रेडेशन पाई जा रही है अभी केमिकल प्रॉपर्टी में, हैलोजन्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन देखी, अब ये ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच ग्रुप, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप। तो इसके एलिमेंट्स है ना बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, तो इनमें एक ग्रेडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में कि इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होते जा रही है डाउन द ग्रुप है ना, तो वो हमने ऑलरेडी देखा है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इनकी रिएक्टिविटी विथ वाटर देखी जा रही है। यहाँ पे देखिए ये मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब M, तो जो भी मेटल होगा इन सब में से बेरिलियम मैग्नीशियम में से प्लस वाटर H2O, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है यहाँ पे, तो ये क्या होता है M plus H2O बनता है MOH2 हाइड्रोक्साइड, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है MOH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये जनरल केमिकल इक्वेशन है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, लेकिन इसमें भी ग्रेडेशन दिखाया जा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन है, हर एक रिएक्ट करता है वाटर के साथ लेकिन रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। कैसे, ये देखिए ये बेरिलियम जो है सबसे पहले, तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो बेरिलियम के साथ एक्चुअली ये रिएक्शन होता नहीं है। मैग्नीशियम नेक्स्ट आता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ पर वाटर वेरी हाई टेम्परेचर पे स्टीम फॉर्म में, रिएक्ट्स विद स्टीम, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम। कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम दे रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर बट इंक्रीजिंग रेट पे, कैल्शियम का रिएक्शन होता है उससे ज्यादा इंक्रीज रेट पे स्ट्रॉन्शियम का और उससे ज्यादा बेरियम का, बेरियम इज मोस्ट रिएक्टिव ऐसे।
तो वो ये केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, वो रिएक्शन जो है वो इंक्रीजिंग बेस पे होते जाता है, तो वो ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टी है इन ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बस यही है आपका सिलेबस, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। बार बार रिवाइज करके इसको स्टडी कीजिए, एक्सरसाइज एक सेपरेट वीडियो में कवर की जाएगी। थैंक यू।